नमस्कार, आपका नाम? यश साहू। तो यहाँ ये जो मामा जूस सेंटर है वो कब से चल रहा है भोपाल में? भोपाल में मामा जूस 1974 से हम लोग रन कर रहे हैं और हमारा मतलब न्यू मार्केट में पहला आउटलेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है जहाँ हम बैठे हुए हैं। मेरे दादाजी यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर हुआ करते थे 1974 में, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे फॉरवर्ड किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ रमेश साहू और महेंद्र साहू जी के साथ उसकी जर्नी को आगे लेके गए हम लोग। फिर अभी आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, टीवी एक्ट्रेस सब आते हैं हमारे पास और ये बहुत फेमस है ऑल ओवर। आई थिंक सो कि पूरे इंडिया में कोई प्योर जूस नहीं प्रोवाइड करता होगा। हमारे पूरे लाइव किचन हैं यहाँ पे, आप सामने खड़े होके आप जैसा बोलेंगे विदाउट शुगर विदाउट आइस हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। मतलब इसमें कुछ भी, हमारा बस ये टारगेट ही कस्टमर को हेल्दी चीज़ प्रोवाइड करनी है। इसमें हम बहुत कम मार्जिन में काम करते हैं, पूरा लाइव काउंटर्स हैं और अभी मेरा एक आउटलेट कोलार पे है और हम दो आउटलेट्स और लेके आ रहे हैं भोपाल में, एक 10 नंबर पे और एक रोहित नगर में। जी तो अभी भोपाल में आपके कितने टोटल आउटलेट्स होंगे? भोपाल में भी मेरे दो आउटलेट्स हैं, एक ये जहाँ पर बैठा है न्यू मार्केट में और एक कोलार पे। जी तो जैसे आपने बताया यहाँ पे फ्रेश जूस मिलते हैं, तो जूस के रेट और प्राइस क्या होगी यहाँ पे? लाइक 40 रुपीज से लेके मेरे पास 200 तक के जूस हैं। और किस किस प्रकार के जूस मिलते हैं यहाँ? लाइक अगर हम रेगुलर इंडियंस में जाएं तो मौसमी, पाइनएप्पल, एप्पल, अनार, बट अभी हेल्दी लाइफ को लेके हमने कीवी का मेन्यू भी स्टार्ट किया है। कीवी लाइक सिंपल कोई नहीं पी पाता था तो उसमें हम मिक्स फ्रूट जूसेस लेके आ गए, कीवी पाइनएप्पल, कीवी एप्पल, कीवी मिक्स जूस, कीवी एवोकाडो। फिर न्यूजीलैंड के फ्रूट्स में मेरे पास अभी अवेलेबल है एवोकाडो शेक, ड्रैगन फ्रूट शेक, ब्लूबेरी शेक, ये सब ओरिजिनल फ्रूट से बना रहे हैं, हम कोई भी फ्लेवर एसेंस यूज नहीं करते हैं। जी तो जब आपके दादाजी ने ये दुकान खोली होगी, उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा? हाँ, उन्हें तो स्ट्रगल बहुत किया है मेरे दादाजी ने और मेरे फादर लोगों ने। लाइक उन्होंने 24 घंटे काम किया है उस टाइम पे, मतलब वो ठेला लगाना ये सब करना, लाइक स्टेशन पे पानी के पाउच तक बांटे हैं मेरे फादर लोगों ने, बहुत स्ट्रगल किया है जब जाके आज इस जर्नी को हम सक्सेसफुल कर पा रहे हैं और उसको आगे लेके जा रहे हैं। लाइक मेरे भी इंदौर में भी बात चल रही है, मैं इंदौर में भी बहुत जल्दी ओपन करने वाला हूँ, धीरे धीरे इस जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं हम लोग। जी तो ये टोटल कितने साल से अभी तक ये चल रही है दुकान? लाइक अभी 50 ईयर्स हो गए हमको उसको रन करते करते। जी यहाँ पे अभी तक फिल्मी कलाकारों में कौन कौन जूस पीने आ चुके? लाइक ऐसे तो बहुत से आते हैं जिनको हम खुद नहीं जानते और वो फेमस होते हैं, बट जो मेरे रेफरेंस में हैं और जिनको मैं जानता हूँ पर्टिकुलरली, लाइक आराधना शर्मा आई हुई है, आप उनके इंस्टा पे भी चेक करेंगे वहाँ पर रील डली हुई है, और शिवानी जोशी जी आई थी अभी लास्ट मंथ, उनने भी अपनी रील शेयर करी उनके इंस्टा पेज पे। तो यहाँ के जूस में बाकी जूस सेंटर से क्या अलग होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक हेल्दी लाइफ देनी है मुझे कस्टमर को, लाइक जिम वाले लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पे अगर 8 to 10 आएंगे तो आपको ओनली जिम वाला क्राउड मिलेगा यहाँ पे, बट मेरा लाइव है पूरा, मतलब आप सामने देखेंगे लाइव जूस बन रहे हैं, ऐसे किसी को लगता है वाटर ऐड कर रहे हो तो हम लोग बोलते हैं आप सामने खड़े होकर आ जाइए, आप सामने खड़े होकर बनवाएंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें वाटर ऐड ही नहीं करना किसी भी चीज़ में, अगर हमें नहीं मार्जिन मिलता तो हम रेट बढ़ा देते हैं, बट ये है कि हम वाटर ऐड नहीं करते, इतने सालों से ये भरोसा जीतते हुए आ रहे हैं हम कस्टमर्स का इसलिए कि हम वाटर ऐड नहीं करते किसी भी चीज़ में। और जैसे यहाँ का जो जूस है, क्या ये बस यहाँ काउंटर्स पे आके ही हम लोग पी सकते हैं या फिर होम डिलीवरी भी होती है? होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, होम डिलीवरीज में भी आप हमारा नंबर डले हुए हैं सब जगह डले, होम डिलीवरी भी करवाते हैं, फ्रूट्स की भी कराते हैं, जूस की भी कराते हैं और भी हमने ड्राई फ्रूट्स का भी स्टार्ट किया है, ड्राई फ्रूट्स की भी कराते हैं। ये यहाँ पे जो जो आउटलेट्स हैं उनका एड्रेस आप बता सकते हैं? अभी न्यू मार्केट का जो है मेरा शॉप नंबर 127 और 126 है, न्यू मार्केट टिटी नगर भोपाल में, और एक मेरा महाबली पे है शॉप नंबर 29 महाबली रोड कोला रोड मानसरोवर स्कूल के जस्ट सामने है। थैंक यू।